हेलो दोस्तों नमस्कार। तो मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ER विनोद चौहान ऑफिशियल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एक्सट्रूजन डाई के बारे में। दोस्तों फर्स्ट एक्सट्रूजन डाई क्या होती है, उसका हैंड स्केच ड्राइंग कैसे बनाते हैं दोस्तों, और उसके आगे लगने वाला कोल्ड फोर्जिंग में फर्स्ट पंच इंसर्ट या फिर कौन पंच डाई के अकॉर्डिंग दोस्तों कितना उसमें माउथ रहता है, कितना उसका साइज बनता है दोस्तों, कितना एंगल लगाते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब ये जानने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। दोस्तों ये आपके सामने फर्स्ट एक्सट्रूजन का डाई बना रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट एक्सट्रूजन डाई दोस्तों हम ज़्यादातर फुल थ्रेड वाले बोल्ट में यूज़ करते हैं। फुल थ्रेड का बोल्ट चाहे दोस्तों M8 का हो, M10 का हो, M12 का हो या फिर M14 या M16 का हो। दोस्तों फर्स्ट एक्सट्रूजन डाई में हमारा 15 डिग्री माउथ पे होता है दोस्तों। दोस्तों ये पैलेट का साइज होता है दोस्तों, जैसे M10 में हम 24 का पैलेट यूज़ करते हैं, M12 में हम 30 का पैलेट यूज़ करते हैं दोस्तों, और M14 या 16 में 35 का पैलेट यूज़ करते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये हमारी फर्स्ट एक्सट्रूजन डाई का माउथ है। यहाँ पे दोस्तों ये एक्सट्रूजन बनाया हुआ है इस प्रकार से, और ये हमारा प्रीलिप साइज रहेगा दोस्तों। दोस्तों मैं ड्राइंग बना रहा हूँ 12.25 एक्सहेड स्क्रू फुल थ्रेड के लिए। 12 एक्सहेड स्क्रू फुल थ्रेड में दोस्तों हम वायर डाई यूज़ करते हैं 11.75 mm। इसी प्रकार दोस्तों हमारा फर्स्ट एक्सट्रूजन का डाई का एक्सट्रूजन डाया रहता है 12.25 में 10.67 से 10.68, ठीक है दोस्तों। और उसी प्रकार रिलीफ साइज रहेगा दोस्तों, एक्सट्रूजन डाई से रिलीफ का साइज 0.5 ज़्यादा रहता है दोस्तों, 10.72 से 73, ठीक है दोस्तों। और उसी प्रकार हमारा माउथ का साइज रहेगा 12.25 में माउथ का साइज रहता है दोस्तों 15 mm। सभी फर्स्ट एक्सट्रूजन डाइयों में 15 डिग्री यूज़ करते हैं। पैलेट का साइज मैंने आपको बता दिया, M10 में 24 का रहेगा, M12 में 30 का रहेगा, और M14 और 16 में 35 का रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब बनाने जा रहे हैं हम फर्स्ट पंच इंसर्ट कैसे बनेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला दोस्तों, वायर डाया इंटू 1.25 इक्वल टू माउथ डाया। 11.75 का वायर यूज़ करेंगे दोस्तों, इंटू 1.25 में हमारा कितना रह जाएगा 14.68। ये हमारा फर्स्ट पंच इंसर्ट माउथ डाया रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार M12 है, M10 है, M8 है, किसी प्रकार का एक साइड स्क्रू बोल्ट में सभी का इसी प्रकार इसी कैलकुलेशन से माउथ एंगल निकलेगा, यही फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों। दोस्तों जितना डाई का माउथ दिया हुआ है उससे 0.3 कम हमारा फर्स्ट पंच इंसर्ट का माउथ बनता है दोस्तों। ये आप चाहे रट्टा लगा लो,
या फिर आप चाहे याद कर लो या लिख लो कहीं भी। दोस्तों फर्स्ट पंच फर्स्ट एक्सूजन डाई के माउथ से 0.3 कम हम फर्स्ट पंच इंसर्ट का माउथ रखते हैं। कैलकुलेशन से भी आप निकाल सकते हो, सभी एक्सेड फुल थ्रेड में हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हाँ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।